31 जनवरी को सैलरी रिलीज किए जाने के बाद एमसीडी कर्मचारी हड़ताल खत्म नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी इस मुद्दे का स्थायी समाधान चाहते हैं। एमसीडी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी अपनी हड़ताल जारी रखी हुई है। इस मुद्दे पर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम से संवाददाता अक्रम ने खास बातचीत की। आपको बता दें कि अक्रम ने बात की है और साथ ही हमारे सहयोगी पूनम ने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर ये हड़ताल जो जारी रखी हुई है और जिसपे सीएम की तरफ से आ भी चुका है कि अब वो 550 करोड़ का लोन देने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, तो क्या पूरे हालात इस वक्त बने हुए हैं दिल्ली के, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी पूनम ने। इस समय हम गीता खुली इलाके में है और आप देख सकते हैं कि एक शव यात्रा जा रही है। ये शव यात्रा किसी मृतक व्यक्ति की नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की शव यात्रा है। भैया ये किसकी शव यात्रा लेके जा रहे हो? ये हम केजरीवाल जी की लेके जा रहे हैं जी। क्यों लेके जा रहे हो? ये हमारा पैसा खा गया जी। पर कल तो पैसा जारी हो गया है। जारी होगा ना, मिला थोड़ा, कुछ नहीं मिला जी, अभी कुछ नहीं मिला। हमारा खा गया और बाकी पैसा खा गए तो उसके बारे में भी हमारे पैसा चाहिए। सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। हर छठे महीने हम जो पैसा कल इशू करा है उसे तो इंजीनियर टीचर ये सब बिल्डिंग वाले खा जाएंगे, ठेकेदारों को दे देंगे अपना। तो हमारा पैसा कहाँ चल जाएगा? हमारा कहाँ हो जाएगा? फिर अगले महीने को रोना पड़ेगा हमें, अगले महीने फिर रोना पड़ेगा हमें, हमारा बकाया अगले महीने फिर रोना पड़ेगा। देख सकते हैं हाथ में झाड़ू लेकर ये कर्मचारी यहाँ पर केजरीवाल की शव यात्रा लेकर जा रहे हैं और इनका कहना है कि उन्हें इस शव यात्रा को निकालने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो उनका बकाया है वो फिर ऐसे ही रहेगा। केवल 31 जनवरी तक का वेतन दिया गया है और उसके बाद वो क्या करेंगे। तो जिस तरह से ये शव यात्राओं का दौर शुरू हुआ है उसे देख तो यही लगता है कि बावजूद सरकार के पैसे देने के कर्मचारी जिस तरीके से आंदोलित हैं और आज लगातार नौवां दिन है जब दिल्ली को कुछ इस तरीके के कचरे से दो चार होना पड़ रहा है और कर्मचारी बजाय सफाई करने के जिस तरह से शव यात्राएं निकाल रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि एक साल में चार स्ट्राइक के बाद दिल्ली वालों को फिलहाल कूड़े से निजात मिलती नहीं दिखती। कैमरा पर्सन देव मेहरा के साथ इस समय दिल्ली से मैं पूनम मेहता द्विवेदी।